हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ आपके सामने संविधान और उसकी अनुसूचियाँ। तो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं हम अनुसूचियाँ कितनी होती हैं। भाई 12 होती हैं, सभी को पता है, लेकिन एक ही बार में हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। बिल्कुल बेसिक डिटेल से पढ़ेंगे, फटाफट से लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो करते हैं स्टार्ट। आपके सामने दिया हुआ है, देखिएगा, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि कितनी होती हैं, 12 होती हैं। प्रत्येक को स्टेप बाय स्टेप हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। बात कर लेंगे यहाँ पर पहली अनुसूची की। तो पहली अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों 29 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों 7 का उल्लेख है। यानी कि 29 राज्य और 7 शासित क्षेत्रों का उल्लेख है, ठीक है। बात करेंगे दूसरी अनुसूची की, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। अनुसूची तीसरी अनुसूची में है, इसमें विभिन्न पद अधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली गई या फिर ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। अब बात कर लेंगे हम यहाँ पर पांचवी अनुसूची की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारी अनुसूचियाँ, ठीक है। पांचवी अनुसूची देख लीजिएगा, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। एंड बात कर लेंगे अब छठी अनुसूची की, तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इनको भी हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम डिस्कस करेंगे ए यानी कि संघ सूची को, फटाफट से देख लीजिएगा भाई संघ सूची क्या है, इसमें क्या करते हैं। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 100 विषय हैं, ठीक है। नंबर आ जाता है ब यानी कि राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, लेकिन अब घटकर वर्तमान में हो गए हैं 61 विषय। सह नंबर देख लीजिएगा, समवर्ती सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर या फिर इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में अब 52 विषय हैं, यानी कि बढ़ गए हैं, 47 से 52 अब यहाँ पर हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आठवीं अनुसूची की। तो आठवीं अनुसूची बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही लाजवाब है, कई बार पूछा जाता है आठवीं अनुसूची है, तो इसलिए ना सारी अनुसूचियों का अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, आठवीं अनुसूची, तो इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो फटाफट से 1x1 स्टेप से हम क्या करने वाले, इसको देखने वाले कौन कौन सी भाषाएँ होती हैं। नंबर एक है असमिया, ठीक है। नंबर 2 है बांग्ला, 3 है गुजराती, 4 है हिंदी, 5वीं है कन्नड़, 6 है कश्मीरी एंड 7 है कोंकणी, 8वां है मलयालम एंड 9 है मणिपुरी, नंबर 10 है मराठी, 11 हो जाएगा नेपाली और 12 है उड़िया, 13 है पंजाबी, 13 नंबर और यहां पर हो जाएगा संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। तो ये हो गई हमारी टोटल 22 भाषाएं। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से याद करना है कि कितनी भाषाएं होती हैं, वो 22 होती है। कौन सी अनुसूची में, आठवीं अनुसूची में।
अब बात कर लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर नौवीं अनुसूची की। ओके फ्रेंड्स, तो नौवीं अनुसूची देख लीजिएगा फटाफट से। नौवीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती दी नहीं दी जा सकती, लेकिन 2007 में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला कर दिया है कि वह 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस के बाद इस सूची में शामिल विषयों की समीक्षा कर सकता है। अब बात कर लेंगे यहाँ पर सूची नंबर 10 की। तो सूची नंबर 10 देख लीजिएगा, सारी सूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूची नंबर 10 है कि यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। एंड लास्ट में आ जाता है हमारा 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई और इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए। कितने विषय दिए गए अभी? 18 विषय दिए गए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही रखेंगे, और फ्रेंड्स कैसी लगी क्लास बताना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, मनोज कुमार के नाम से सर्च कर लीजिएगा और आपको मिल जाते हैं सारे कोर्सेज टैट और सी टैट से संबंधित। तो फ्रेंड्स फॉलो करना मत भूलिएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिएगा आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।